हेलो एवरीवन, वेलकम दी प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि लगभग इंडिया के लगभग सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर और कॉलेजों के अंदर ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिनमें से आज हम तीन कॉलेजों की बात करेंगे। इससे पहले भी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उन पर वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली हुई हैं, तो आप इन वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। तो आप जल्दी से इन वीडियो को चेक करके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। और इसी तरह हम इंडिया के लगभग सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर जितने भी नोटिफिकेशन आती हैं तो उनकी वीडियो बना के चैनल पर डालते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए जो सबसे पहला कॉलेज है वो कॉलेज है किरोड़ी मल कॉलेज। उसमें यहाँ पर 18 डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 110 पोस्टें खाली हैं, जिसके अंदर बंगाली में 2 पोस्टें, बॉटनी की 7 पोस्टें, केमिस्ट्री की 14, कॉमर्स की 9, कंप्यूटर साइंस की 1, इकोनॉमिक्स की 5, इंग्लिश की 3, ज्योग्राफी की 4 और हिंदी की 7, हिस्ट्री की 4, मैथमेटिक्स की 11, फिलोसफी की 1, फिजिक्स की 17, पॉलिटिकल साइंस की 7, संस्कृत की 4 और स्टैटिक की 5, उर्दू की 2 और जूलॉजी की 7 पोस्टें खाली। पोस्टें अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्व हैं, यहाँ पर SC ST OBC और रिजर्व के लिए अलग पोस्टें हैं। तो आप देख लीजिए किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें रिजर्व हैं। किस यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट के लिए सीटें रिजर्व हैं वो SC ST OBC और अनरिजर्व सभी कैटेगरी के लिए हैं, तो वे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पोस्टें जिन कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं उन्हीं कैटेगरी में आप इनके लिए अप्लाई कीजिएगा। अदर कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेज के अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क के साथ आपको क्वालिफाई की होनी चाहिए, और इसी के साथ आपको नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है। या फिर आपके पास किसी फोन यूनिवर्सिटी की एक वैलिड PhD डिग्री होनी चाहिए, जो कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आता हो और वहाँ से आपने PhD कर रखी हो। बात करें ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पर जो SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं उन्हें बैचलर और मास्टर डिग्री में 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, और इसी के साथ 5% की रिलैक्सेशन उन PhD डिग्री होल्डर के लिए है जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की हुई हो। इस फॉर्म से रिलेटेड अदर जानकारी चाहते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस और इंडक्टिव परफॉर्मेंस के से रिलेटेड, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है इस पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अदर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजों की तरह ही यहाँ पर भी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, और अब वुमेन कैंडिडेट और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर 100 पॉइंट स्केल का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये टेबल आपके सामने दी हुई है। यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट, रिसर्च पेपर, एक्सपीरियंस, अवार्ड के मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो उनके हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आपके कितने मार्क्स बनते हैं। सारी बातें हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, तो आप उन वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है अदर वीडियो से, तो वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो MPhil, MTech, LLM, MEd और PhD के टोटल मिलाकर जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो 30 मार्क्स मिलेंगे, और नेट और JRF के जो टोटल मिला के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 7 होंगे, और अवार्ड कैटेगरी में जो मैक्सिमम मार्क है वो 3 होंगे, और इसी प्रकार अकेडमिक स्कोर के मैक्सिमम आपको 80 मार्क्स ही मिलेंगे, और रिसर्च पब्लिकेशन के मैक्सिमम 10, टीचिंग एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 10 मिलेंगे, और टोटल स्कोर 100 का होगा। तो इस टोटल में से जिन कैंडिडेट के 65% मार्क्स बनते हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेगी, इससे कम वालों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साफ मेंशन है, तो आप ये जाके चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर 5% की रिलैक्सेशन SC ST और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर दी जाती है। आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं इसके पे लेवल की। तो यहाँ पर जो आपको पे लेवल मिलेगी वो आपको मिलेगी 57,000
700 से लेकर 1,84,400 रुपये ये यहाँ पर आपकी पेलेबल होगी। और अब जो इसकी लास्ट डेट है वो यहाँ पर दी हुई है 6 मई 2022। तो इससे पहले आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है इस पे जाके, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कॉलेज की, यहाँ पे जाकर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेकंड कॉलेज की, तो जहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं तो वो सेकंड कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, वो फॉर वुमेन। तो यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 93 वैकेंसियाँ खाली हैं जिन पर की भर्ती होनी है। कहते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली हैं, तो यहाँ पर अप्लाइड साइकोलॉजी पर 3 पोस्टें खाली हैं, कॉमर्स की 5 पोस्टें हैं, कंप्यूटर साइंस की 7 हैं, इकोनॉमिक्स की 10 हैं, इंग्लिश की 13 पोस्टें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की 3 पोस्टें खाली हैं, होम साइंस की 1 है, ज्योग्राफी की 8 हैं, हिंदी की 10 हैं, हिस्ट्री की 3 हैं, मैथमेटिक्स की 7 हैं, म्यूजिक की 3 हैं, फिलोसफी की 9 पोस्टें खाली हैं, पॉलिटिकल साइंस की 3 हैं, संस्कृत की 6 हैं और सोशोलॉजी की 2 पोस्टें खाली हैं। इस प्रकार टोटल 93 पोस्टें खाली हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, रिजर्व हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एससी के लिए यहाँ पर 15 पोस्टें रिजर्व हैं, और एसटी के लिए यहाँ पर 7 पोस्टें रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 27 पोस्टें रिजर्व हैं, और अनरिजर्व पोस्टें हैं जो वो 31 पोस्टें अनरिजर्व हैं, और 10 पोस्टें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए हैं, के लिए यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। होम साइंस के लिए जो पोस्ट रिजर्व है फूड टेक्नोलॉजी की, वो 1 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है। तो आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे चेक कर लीजिएगा। तो इस पीडीएफ को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है इस पे जाके चेक कर लीजिएगा, और इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर इस पे जाके फिल कर सकते हैं, या फिर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेजों की तरह ही यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो पोस्टें जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं उसी में आप अप्लाई कीजिएगा, अदर कैटेगरी में आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो सेम ही है, आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क होने चाहिए, और इसके साथ आपको नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, या फिर आपके पास किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सेक्शन क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर आपके एमफिल या पीएचडी के मैक्सिमम मिला के 25 मार्क ही आपको दिए जाएंगे, और नेट जी आर के मैक्सिमम 10 मिलेंगे जो इससे पहले के में 7 थे। अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम आपको 3 मार्क मिलेंगे, और एकेडमिक स्कोर के मैक्सिमम 84, रिसर्च पब्लिकेशन के मैक्सिमम 6, और टीचिंग एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 10 मार्क ही आपको मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स में से जिन कैंडिडेट के यहाँ 60 मार्क होंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इससे कम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रेयर ही चांस है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके 100 में से 60 मार्क्स बन जाते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं इसके पे लेवल की। तो यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेजों में जो पे लेवल दिया गया था वही पे लेवल यहाँ पर है, पे लेवल 10 का। तो आपको यहाँ पर 57,700 से लेकर 1,84,400 रुपये तक का पे लेवल है जो कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 6 मई 2022 की है। तो इस फॉर्म को आप इनकी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है इस पे जाके भी चेक फिल कर सकते हैं, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थर्ड कॉलेज है वो है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यहाँ पर 1 पोस्ट प्रिंसिपल की खाली है जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर जो पे लेवल दिया गया है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वो पे लेवल 14 का है, 7th CPCE के अंडर। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है प्रिंसिपल पोस्ट लिए वो लगभग 2 लाख के आसपास होगी। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर जो वेबसाइट दी हुई है इस पर जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2000 रुपये है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो आप 30 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। आप इनकी ऑफिशियल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अदर डिटेल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।